क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सारे के सारे वीडियो यहाँ पर जुड़ जाएगा। जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर है, जो आपके आगामी एग्जाम, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, प्रयोगशाला परिचालक, सीजीपीसी प्री, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती जैसे परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। जो 6 मंथ के करंट अफेयर, साथ ही चर्चित व्यक्ति, साथ ही जितने भी अभी विधानसभा से संबंधित चुनाव से जितने भी हैं, वो सभी क्लास लेकर आए हैं। ये मैं रिकॉर्डिंग वाला है, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। ये डेमो के तौर पर ये क्लास अपलोड किया जा रहा है यूट्यूब पर। इसकी फीस है न्यूनतम 999 रुपए, उसको हम डिस्काउंट करके 499 रुपए रखा गया है, जो कि मेंबरशिप के क्लास में अपलोड किया जाएगा। तो जितने भी ये सभी है, मैंने राइटिंग, यानी कि आप देखिए, आप कोई भी आप करंट अफेयर की बुक लेते हो, चाहे घटना चक्र का हो, चाहे आप अर्जुना का लो, मैं कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो, लेकिन इसमें आपको काटना छाटना पड़ेगा। लेकिन मैं सभी का सभी मैं आपको पूरा राइटिंग, यानी कि लिखित तौर पर मैं पीडीएफ बनाया हूँ। तो यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लास आपको करते हो, तो यहाँ से आपके एग्जाम में समझौता है कि एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा हाथ से जो लिखा हुआ राइटिंग है ना, आप देख पा रहे होंगे, सभी के सभी पूरा लिखा हुआ है। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। देखिए, करंट अफेयर में बहुत सारे रहते हैं जी, लेकिन देखिए, मैं जो क्लास लेकर आया हूँ, नोट्स लेकर आया हूँ, तो आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न, जैसे कि देखिए, अभी करंट अफेयर के जितने भी क्लास हैं, वहां से अभी जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए आप, और करंट अफेयर के जो भी विगत वर्षों से पूछा गया है वो भी, और जो अभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यो टॉपिक लेकर आया हूँ। यानी कि घटना चक्र है पूरा 2023 का, जो कि 1 साल का करंट अफेयर है। आप चाहे यहाँ पर भी देख सकते हैं, पूरे सितंबर से जो भी अभी हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का, वहां से करंट अफेयर आपके नवीनतम बनते हैं। जो नवीनतम है, जो नवीन चर्चित है, जो मुख्यमंत्री है, क्या है, कैसे, वहां से आपके एग्जाम में बनते हैं जी। तो सभी सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, कम से कम इस वीडियो में 100 से ऊपर लाइक आना चाहिए, ठीक है, यानी कि 100 से ऊपर लाइक आना चाहिए। और जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं हमारे क्लासेस, सभी के सभी इस वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कि आप यहाँ पर जुड़ चुके हैं और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो पहले लिखित नोट्स देखते हैं, जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं जी, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर मैं आप सभी को पहले ही बताया था कि करंट अफेयर क्लासेज में हॉस्टल वार्डन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रयोगशाला, सीजीपीएससी प्री, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यानी कि सीजी व्यापम पीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर चर्चित व्यक्ति सबसे पहले देखेंगे। अगर आपको किसी भी डाउट होता है, कोई भी चीज पर डाउट होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए, नवीनतम मुख्यमंत्री देखेंगे। छत्तीसगढ़ के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो छत्तीसगढ़ के हाल ही में मुख्यमंत्री बने विष्णु देव साय जी। कौन बने हैं? विष्णु देव साय जी, ठीक है। कौन बने हैं? विष्णु देव साय, ठीक है, विष्णु देव। कौन से क्रम के बने जी? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पूरा टॉपिक बताऊंगा, और कैसे और किस संविधान से कैसे मुख्यमंत्री बने, क्या हुआ, सभी के सभी बताऊंगा। पहले यहां तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया जी। दूसरा पॉइंट हो गया एमपी का, यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, वो आपके नवीनतम मुख्यमंत्री है, जो कि कार्यक्रम है आपका छठवा। कौन से क्रम के हैं पूछा जाएगा जी, तो आप बताएंगे कि छठवे क्रम के। कौन से क्रम के? छठवे क्रम के हैं। साथ ही इसका जो शपथ ग्रहण हुआ था, तो शपथ ग्रहण कब हुआ था, तो शपथ आप याद रखिएगा, ठीक है। शपथ यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं जी, पूरा आपको वर्ड लेटर के तौर पर बताऊंगा, और थ्योरी भी बताऊंगा, और समझाते भी चलूंगा, ठीक है। तो शपथ आपका हुआ जी 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 2023, ठीक है जी। यहां तक आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? यहां तक आपको क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? एक बार कमेंट करके बताइएगा जी, ठीक है। अब देखेंगे मध्य प्रदेश, इसका मैं पूरा डिटेल आपको बताते चलूंगा, पहले इसके आप लोग चर्चित व्यक्ति देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो एमपी के हैं, तो राज्यपाल आप सभी को मैं बताऊंगा, पहले आप एमपी के मुख्यमंत्री वाला देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव, ठीक है, मोहन
यादव, ये जो करंट अफेयर की क्लास है 1 घंटे का वहां एपिसोड है ना, तो यहाँ से आपके एग्जाम में संभवतः प्रश्न बन देखने को मिलेगा जी, है ना। मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो भजन लाल शर्मा। कैसे याद करना ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, भजन लाल, ठीक है, भजन लाल शर्मा जी, ठीक है। मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा, है ना। और ये वीडियो जी रिकॉर्डेड है, आपको मेंबरशिप में मिलेगा जी। इसके लिए आप न्यूनतम 499 रुपये है, जो कि सभी के लिए, छत्तीसगढ़ की क्लासेस और करंट अफेयर और कंप्यूटर का, ठीक है, हॉस्टल वालों के कंप्यूटर की क्लास कल से हम प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है जी। भजन लाल हो गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो रेवंत रेड्डी जी। कौन है, रेवंत, ठीक है। अगर किसी भी चीज पर आपको डाउट होता है कमेंट कर सकते हैं, रेवंत रेड्डी, ठीक है, रेड्डी है ना, ठीक है, रेवंत रेड्डी जी हैं। अब मुख्यमंत्री कौन है, तो मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा। कौन है, लाल, ये आपका हो जाएगा लाल दू हो मा, ठीक है, लाल दुहोमा। अब कैसे याद करेंगे जी, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, विष्णुदेव शाह जी। सांस में भर्ती निकाल रहे ना, विष्णुदेव भगवान को याद कर लेना, मुख्यमंत्री है ना। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन यादव। उसी प्रकार राजस्थान का आ जाएगा भजन लाल, उसी प्रकार तेलंगाना का आ जाएगा रेवंत रेड्डी, मिजोरम का आ जाएगा लाल दुहोमा, ठीक है। इसका पूरा जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ, वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसका पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। मेरा वीडियो जो आएगा करंट अफेयर का, जो आपको 4 से 5 दिन लगेगा, जिसमें पूरा 4 से 5 वीडियो में लेकर आऊंगा, ठीक है जी। तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, आपको यहाँ से नोट्स पढ़ लीजिएगा। चलिए विधायिका का प्रमुख देखते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर राज्यपाल कौन है, 23-24 देख रहे हैं, तो राज्यपाल कौन है जल्दी से बताइएगा। तो राज्यपाल आपका विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है जी, विश्वभूषण हरिचंदन, याद रखना जी। श्री कौन है, विश्वभूषण, विश्व सॉरी ना, विश्व भूषण हरिचंदन। कौन है जी, तो विश्वभूषण हरिचंदन है। और मुख्यमंत्री कौन है, विष्णुदेव शाह जी। श्री, देखिए यहाँ पर लाइट बंद हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल इशू प्रॉब्लम से जो भी है ना, यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा सा लाइट बंद हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्लियर आ रहा होगा मेरा इमेज, है ना। आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, आप अगर कमेंट करके बताइएगा, और मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है कि नहीं ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो श्री विष्णुदेव शाह जी, श्री विष्णु, विष्णु देव, कौन है, तो विष्णुदेव शाह जी, डिप्टी कमिश्नर, यानी कि उप मुख्यमंत्री कौन है जी, तो उप मुख्यमंत्री कौन है चलिए बताइएगा। तो उप मुख्यमंत्री आपको पहला हो जाएगा अरुण शाह, अरुण, ठीक है, अरुण शाह। दूसरा है आपका, दूसरा है आपका जी, दूसरा है आपका विजय शर्मा, विजय शर्मा, ठीक है जी। अरुण साहब कहाँ के हैं, तो ये या आप याद रखना, लोरमी, कहाँ के हैं जी, लोरमी के हैं, ठीक है। ये आपका विजय शर्मा कहाँ के हैं जी, कवर्धा का, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कवर्धा का, ठीक है, याद रखना। अरुण साहब लोरमी, विजय शर्मा कवर्धा, ठीक है। डिप्टी से विधानसभा देखेंगे, विधानसभा जो अध्यक्ष है आपका किसे बनाया गया है, तो विधानसभा का जो अध्यक्ष बनाया गया किसे बनाया है, डॉक्टर रमन सिन्हा को, ठीक, किसे बनाया गया, डॉक्टर रमन सिंह, किसे बनाया गया, डॉक्टर रमन सिंह, थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा तो इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, रमन सिंह, ठीक है जी। तो अध्यक्ष कौन बने हैं, तो विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं जल्दी से बताइएगा। ये विधानसभा के जो अध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह है। और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो डॉक्टर चरंत महंत जी, डॉक्टर, देखिए आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो ना, तो यहाँ से कवर कर लीजिएगा, इसका आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर कौन है, चरण दास, ये चरण दास,
ये सी नहीं है ना, महंत है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट ना। ठीक है जी, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए फिर से यहां देखते हैं कौन कौन है, एक बार याद कर लीजिएगा जी। तो राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री आपका विष्णुदेव साय जी, याद करते चलिएगा जी। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बनते हैं याद करते चलेंगे, है ना। और डिप्टी सीएम यानी कि डायरेक्टर, डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि इसके जो उप मुख्यमंत्री हैं कौन है। तो अरुण साव जी कहाँ से हैं? लोरमी से हैं। उसी प्रकार आपका विजय शर्मा जी हैं कवर्धा से। तो देखिए यहाँ पर दो लोग बने हैं उप मुख्यमंत्री, इसको याद रखना। और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह हैं। और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर चरंत महंत जी हैं, चरण दास महंत जी। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन है जल्दी से। जिसको मालूम है आप लोग डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी को मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप लोग सभी के सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कौन है। तो छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जल्दी से बताइएगा कौन है। रमेश सिन्हा जी, रमेश सिन्हा। ठीक है, कौन है? रमेश सिन्हा जी। एक बार यहां पर क्लियर नहीं है क्या? एक मिनट ना, क्लियर नहीं है, मैं इसको थोड़ा से डाल रहा हूं फिर से। ठीक है, चलिए कौन है तो आप कब बताएंगे? रमेश सिन्हा जी। ठीक है, तो आपका आ जाएगा रमेश सिन्हा जी। ठीक है, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के कौन है? जल्दी ये देखिए, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं जी, इसलिए मैं बार बार करा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा, इसके पहले कौन थे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जिसको भी मालूम है, जो लोग हॉस्टल वार्डन है, प्रयोगशाला, जो भी एग्जाम की तैयारी है कम्पिटेटिव का। ठीक है, तो अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है जी? तो प्रवीण वर्मा जी। कौन है? प्रवीण वर्मा, प्रवीण वर्मा। ठीक है, कौन है जी? प्रवीण वर्मा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के छठवें क्रम के विधानसभा जो है आपका हेतु प्रोटेम स्पीकर कौन है जी? तो देखिए राम विचार नेताम जी, इसको याद रखना, राम विचार नेताम है। और यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर पूछा जाएगा जी, तो विधानसभा के, तो ये आपका आ जाएगा क्षेत्र कौन से है? रामानुगंज के क्षेत्र से है। ठीक है, राम विचार नेताम रामानुगंज कहाँ से है, कौन से क्षेत्र से? विधानसभा से, रामानुगंज। कैसे याद करोगे? तो छत्तीसगढ़ के छठवें क्रम के विधानसभा के नेता कौन है? तो राम विचार नेताम जी हैं, ये जो हेतु अध्यक्ष हैं। और जो प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ का छठवें क्रम के विधानसभा के हेतु जो प्रोटेम स्पीकर हैं राम विचार नेताम जी हैं। और जो विधानसभा क्षेत्र से, मतलब विधानसभा क्षेत्र से जो निर्वाचित रखते हैं रामानुगंज से। ठीक है, राम विचार नेता मतलब रामानुगंज। ठीक है, यहां से याद रखना कि छठवें संविधान के नेता प्रतिपक्ष, यानी कि छठवें संविधान के जो नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो चरण दास महंत जी। कौन से विधानसभा से जी? तो ये आप बताएंगे सत्ती से, सत्ती से बिलोंग करते हैं। याद रखना चरण दास महंत यानी कि सती से बिलोंग करते हैं, यानी कि छठवें संविधान के नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो आप सभी को पहले बताया, तो यहाँ पर विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं, तो चरण दास महंत जी हैं। कैसे याद रखोगे? जब चरण स्पर्श करते हैं तो सती मिलती है। हम कैसे याद रखोगे? तो छठवें क्रम के जो संविधान सभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं चरण दास महंत जी हैं। और विधानसभा क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं सती से, जैसे आप चरण स्पर्श करोगे, बड़े का चरण स्पर्श करते हैं ना, प्रणाम करते हैं, तो हमें आशीर्वाद मिलती है, आशीर्वाद के रूप में शक्ति मिलती है, वही है, ऐसा याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे विश्वभूषण हरिचंदन के बारे में। तो विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान में राज्यपाल हैं। पद ग्रहण कब किया है? तो 23 फरवरी 2023 को, याद रखना 23 फरवरी 2023। किसके स्थान पर? तो अनसुईया उइके के स्थान पर।
ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो देखिए आगे मैं आपको पूरा बताऊंगा, है ना। तो रमेश सिन्हा के बारे में देखते हैं, रमेश सिन्हा कौन है? तो रमेश सिन्हा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन है रमेश सिन्हा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आप लोग। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जल्दी से बताइएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है रमेश सिन्हा जी। नियुक्ति के बारे में बात करें तो नियुक्ति कब किया गया था, तो यहाँ पर देखेंगे नियुक्ति की जो तिथि है 29 मई 2023 को। कब है? 29 मई, याद रखना, 29 मई 2023, ठीक है। नियुक्ति कब किया गया था जी? तो 29 मई 2023 को। रमेश सिन्हा कौन है जी? हैं तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी यहाँ पर हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं जी, ठीक है। बिल्कुल, देखिए इसके बाद हम ये वाला टॉपिक में करेंगे जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं जी, ठीक है। ये वाला टॉपिक मैंने आपको कराया था, उसी प्रकार यहाँ से हम ये वाला टॉपिक देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते हैं जी, ठीक है। तो पूरा छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर की क्लास करेंगे जो एग्जाम में प्रश्न बना रहे हैं, और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं जी, ठीक है। चलिए तो देखिए किसके स्थान पर, तो न्यायमूर्ति अगर पूछा जाए तो अनुरूप कुमार गोस्वामी, ठीक है, याद रखना अनुरूप कुमार गोस्वामी जी, ठीक है। इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे, न्यायमूर्ति कौन थे? अनुरूप कुमार गोस्वामी थे। तो ये रमेश सिन्हा जी बने हैं, ठीक है। चित्रसेन साहू के बारे में देखेंगे जो बार बार एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं जी। चित्रसेन साहू से संबंधित प्रश्न करते हैं यहाँ पर। तो चित्रसेन साहू जो है बालोद जिला से, बालोद जिला से ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, बहुत अहम भी है, एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो चित्रसेन साहू कहाँ से बिलोंग करते हैं, बालोद से। क्या फसल हासिल किया था, क्या फतह किया था? तो उसने पर्वतारोही है, ठीक है, पर्वतारोही है, ये याद रखना, पर्वतारोही है। कौन से अवस्थी, अर्जेंटीना, इसको याद रखना, अर्जेंटीना अवस्थी आपको याद रखना, अर्जेंटीना। और पर्वत की जो ऊंचाई है 6,962 मीटर, और फीट के बारे में बात करें तो 22,841, ये 22 है ना, ये याद रखना, 22,841 फीट, ठीक है। तो पर्वत की जो ऊंचाई है 6,962 मीटर, कितना है 6,962 मीटर, और 22,842 फीट है। स्टेट आइकन से नवाजा गया है नवंबर 2022 में किसको, तो चित्रसेन साहू, किसको, चित्रसेन साहू को स्टेट आइकन से नवाजा गया है नवंबर 2022 में जी। अब देश के पहले पर्वतारोही कौन है, देश के पहले पर्वतारोही हैं जिन्हें, जिनके दोनों पैर कृत्रिम के हैं, साथ ही दुनिया के 7 महाद्वीप में से 4 महाद्वीप को फतह किया है। कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप में से 4 महाद्वीप को फतह हासिल किया है, ठीक है। देखेंगे जी मोस्ट इंपोर्टेंट है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर यहाँ पर। नीति आयोग के नवीनतम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, सीईओ कौन बने हैं? तो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नीति आयोग के नवीनतम यानी कि नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, तो पी आर सुब्रमण्यम जी। कौन बने हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार कहूंगा जी, अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को जल्द से जल्द वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और वीडियो में आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सबसे ऊपर लाइक आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कम से कम मेरा जो वीडियो है 4 से 5 टॉपिक में आएगा, 4 से 5 टॉपिक में मेरा वीडियो आएगा जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से संबंधित है। अगर यहां से आप लोग क्वेश्चन कर लेते हो जी, तो आपको 20 में, मैं गारंटी लेता हूँ, 20 में आपका कम से कम 15 नंबर कवर हो जाएगा जी, ठीक है, 15 नंबर तक कवर हो जाएगा। 4 से 5 दिन अगर टाइम देते हो तो आपका कवर हो जाएगा जी, ठीक है। तो नीति आयोग के नवीनतम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो नवीनतम मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपका हो जाएगा बी आर सुब्रमण्यम जी।
ठीक है। अब मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री आपका आ जाएगा मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह जी। ये उसके जो सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो पी दयानंद, याद रखना, पी दयानंद को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आप देखेंगे शक्ति जिले से, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो नोट यहाँ पर देखेंगे, छत्तीसगढ़ में आपका शक्ति जिले के हसौद निवासी श्री कमलेश साहू 13 दिसंबर 2023 को नारायणपुर जिले में आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए हैं। इसको याद रखना, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आईडी ब्लास्ट में कौन से शहीद हुए हैं 13 दिसंबर 2023 से और कौन से जिले से निवास करते हैं, तो शक्ति जिले से निवास करते हैं। शक्ति जिले के हसौद नामक जो व्यक्ति है कमलेश साहू जी, इसको याद रखना, कमलेश साहू जी है ना, 13 दिसंबर 2023 को नारायणपुर जिले के आईडी ब्लास्ट में शहीद हो चुके हैं। उसी प्रकार है, एक और याद रखना, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, कौन सा याद रखना, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नवीनतम उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी किसे नियुक्त किया गया है, तो आईपीएस जितेंद्र मीणा सिंह को, या फिर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, आईपीएस आईपीएस जितेंद्र सिंह मीणा है ना। तो ऑप्शन में किसी भी प्रकार से दे सकता है, इसको याद रखना। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सीबीआई के नवीनतम उप महानिदेशक यानी कि उप निरीक्षक डीआईजी कौन है, तो आईपीएस जितेंद्र मीणा सिंह, या फिर इस प्रकार यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अगर इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं, इसका आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, इसका पीडीएफ आपको हम सेंड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, तो डीआईजी के आईपीएस जितेंद्र मीणा सिंह हैं, आईपीएस जितेंद्र मीणा सिंह। अब महातारी बंधन योजना से देखेंगे, जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं जी, देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। महातारी बंधन योजना आप सभी को मालूम होगा, ठीक है जी, महातारी बंधन योजना। तो महातारी बंधन योजना जो, इसका उद्देश्य क्या है, तो छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो उद्देश्य क्या है, जिसको मालूम है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और जिनको मालूम नहीं है तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो उद्देश्य आप यहाँ पर देखिएगा, उद्देश्य क्या है, तो छत्तीसगढ़ की विवाहित महिला, छत्तीसगढ़ का विवाहित महिला, छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाओं को मिलेगा जी, है ना, जिनको विवाहित, जो लोग शादी कर चुके हैं ना, उनको मिलेगा, महिला को, पुरुष को नहीं मिलेगा जी। ठीक है, मेल को नहीं मिलेगा, फीमेल को मिलेगा जो शादी हो चुके हैं। आप लोग भी शादी कर लो जी, आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, महिला लोग है ना, महिला बन जाओ जी, आपको महातारी बंधन योजना मिलेगा। ठीक है, अब देखिए राशि की बात करें, एक माह में आपको 1,000 रुपया दिया जाएगा जी, एक माह में आपको 1,000 रुपया दिया जाएगा, और साल का वार्षिक दिया जाएगा जी आपको 1,200 रुपए, सॉरी 12,000 रुपए। ठीक है, तो अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमें मैसेज कॉल कर सकते हैं जी, आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, या फिर मेंबरशिप में आपको क्लास मिलेगा जी। ठीक है, मेंबरशिप में आपको क्लास मिलेगा जी, मेंबरशिप में आप क्लास मिलेगा, आप चाहे तो वहां पर मेंबरशिप में जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब के बटन में ज्वाइन बटन दिख रहा होगा जी, यहाँ पर जैसे सब्सक्राइब लिखा होगा, ठीक है, सब्सक्राइब लिखा होगा, जस्ट यहाँ पर ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर इसको क्लिक करना जी, वहां पर आपको मेंबरशिप के क्लास मिल जाएगा, है ना। वहां पर बिल्कुल यूट्यूब पर रिकॉर्डेड अपलोड किया जा रहा है, लाइव क्लास भी लिया जाएगा। ठीक है जी, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाना, अगर मेंबरशिप में करना चाहते हैं तो मात्र 499 रुपये फीस है, 499 रुपये फीस है। ठीक है जी, देखिए आप राशि की बात करें तो 1,000 रुपये है, और साल का वार्षिक आपको 12,000 रुपया दिया जाएगा। योजना कौन सी है जी, तो योजना आपका है प्रदेश की विवाहित महिलाएं, प्रदेश का विवाहित महिलाएं। ठीक है जी, तो प्रदेश का विवाहित महिलाएं। अब रानी दुर्गावती योजना, यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, उद्देश्य क्या है जी,
तो ये आपके इम्पोर्टेंट है 2024। ठीक है, तो रानी दुर्गावती जो योजना है जी, देखिए उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है बेटियों को समान अवसर समान रूप से किसको दिया जाएगा जी, बेटियों को दिया जाएगा, इसको याद रखना, बेटियों को दिया जाएगा। ठीक है, बेटियों को दिया जाएगा जी, राशि कितने रुपए दिया जाएगा, तो आप याद रखना राशि है आपका 1.5 लाख रुपए, ये आप याद रखना 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख रुपए। लाभार्थी कौन है जी, तो आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ के बीपीएल परिवार, छत्तीसगढ़ का बीपीएल परिवार, बीपीएल परिवार के लोगों। ठीक है, तो बीपीएल परिवार के लोगों का देखिए, अब अगर आप बड़े घर में पैदा हो जाओगे है ना, और बोलोगे सर हमें ये योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा जी, क्या बोला गया, रानी दुर्गावती योजना यानी कि उद्देश्य क्या है, बेटियों को दिया जाएगा, शादी के बाद पूरा आप वसूल सकते हो, और जो लाभार्थी है किसको मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ में जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको मिलेगा जी, जो बीपीएल परिवार में जो जन्म लिए हैं उनको मिलेगा जी। आप देखिए बड़े घर में पैदा हो गए हो, आप बोलोगे कि ये हमको योजना नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं है, गलत बात है ना। ठीक है, योजना का क्रियान्वयन क्या है, तो बीपीएल वर्ग के परिवार वालों को मिलेगा। ठीक है जी, तो बीपीएल वर्ग परिवार की बेटियों को मिलेगा जी, है ना, तो ये बालिका को मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा ये भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, पहले क्या था ये, पहले राजीव गांधी था, कौन सा था, राजीव गांधी, अब उसको चेंज कर दिया है जी, अब यहाँ पर बीजेपी आ चुका है, बीजेपी है ना, यानी कि भाजपा आ चुकी है, कमल छाप आ चुकी है ना, तो क्या पूछा गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना है ना, उद्देश्य क्या है, तो ध्यान से समझिएगा मैं जो बता रहा हूँ, पहले पंडित दीनदयाल जो उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना था उसका पहले नाम राजीव गांधी था, क्या था, राजीव गांधी, क्या नाम था, राजीव गांधी, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है भूमिहीन कृषि परिवार, भूमिहीन कृषि परिवार मजदूर। ठीक है जी, तो भूमिहीन कृषि परिवार मजदूर आ जाएगा, इसको सहायता राशि मिलेगा। ठीक है, प्रदान किया जाएगा। ठीक है जी, तो भूमिहीन कृषि परिवार मजदूर को सहायता राशि प्रदान किया जाएगा, पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना सहायता राशि, तो याद रखना पूर्व में कितना दिया जा रहा था जी, पूर्व में आपको 6,000 रुपये दिया जा रहा था, 6,000 पूर्व में कितना दिया जा रहा था जी, 6,000, बढ़ाकर कितना किया है, बढ़ाकर कितना किया गया था, 7,000। ठीक है जी, अब वर्तमान में कितना दिया जाएगा जी, वर्तमान में आप बताएंगे 10,000। ठीक है, क्लियर, क्लियर हुआ जी यहां तक। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना को पहले 6,000 दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 7,000, अब वर्तमान में 1,000 रुपया कर दिया गया। लाभार्थी कौन है जी, तो यहाँ से याद रखना जी, लाभार्थी है आपका छत्तीसगढ़ के भूमिहीन परिवार, भूमिहीन मजदूर परिवार। ठीक है जी, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ है ना, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के भूमिहीन मजदूर परिवार, तो यहाँ तक देखिए, ये हमारी क्लासेस लाइव क्लास फ्री है, शाम 10:30 बजे रिकॉर्डेड फ्री किया जा रहा है, लाइव क्लास में आपको बता दूँ तो लाइव क्लास आपका 7:30 बजे जी है ना, तो बिल्कुल आप लोग सभी जो जुड़ जाइएगा और करंट अफेयर की तैयारी करने जी, अगर आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजी व्यापम में हॉस्टल वार्डन हो गया है आपका, पुलिस भर्ती हो गया है, शिक्षक भर्ती हो गया है, पीएससी का जो आपके प्री एग्जाम का हो चुका है,
और बहुत सारे एग्जाम है जी सीजी आप में, है ना। तो आप लोग जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग आ जाइएगा जी। और संभवता है कि आपका एग्जाम फरवरी में हो सकता है जी, फरवरी में जी, फरवरी में हो सकता है जी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप दे दिया हूँ, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं जी। व्हाट्सएप नंबर 93 99 27 87 और ये आपका 82। ठीक है जी, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, आप मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए फिर इतना ही। आप सभी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहिएगा, है ना। फिर ये टॉपिक हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ये वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री किस स्थान पर हैं, तो दूसरे स्थान पर हैं जी। और देखिए छत्तीसगढ़ में भजन त्योहार 2023 का आयोजन कब से कब किया जाएगा, 1 से 13 सितंबर तक किया जाएगा जी। ठीक है, याद रखना। और कामेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है, तो आपका दुर्ग जिले में स्थित है। और ऑनलाइन करो भुगतान करने की सुविधा मुहैया कराने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा है जी, रायगढ़। तो आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा जी, और 4 से 5 दिन लगेगा, हम आपको करंट अफेयर क्लास लेकर आ रहे हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।